हाय एवरीवन, सो चलिए बनाते हैं मेरे वीडियो का पार्ट टू, जिसमें हम ये ब्रेड रोल्स बनाएंगे। दीज आर चिली चीजी गार्लिक रोल्स एंड दे आर टू बी बेक्ड एंड वी विल सर्व देम विद शेफर्ड्स पाई। तो सबसे पहले हम बटर को तैयार कर लेते हैं। एक बोल में 3 tablespoons ऑफ बटर लेके रूम टेम्परेचर पे, उसमें कुछ गार्लिक को क्रश करके डालेंगे। वील हैव मिंस्ड गार्लिक एडेड टू इट। ये करीब मैंने 8 cloves ऑफ गार्लिक लिए हैं, जिन्हें मैं बटर में क्रश करके डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियंस फाइनली चॉप्ड, जो हरे प्याज होते हैं, इसको हम फाइनली चॉप करके इसमें ऐड करके इसको मिक्स करके रख देंगे। और बाद में जब हम अपने ब्रेड रोल्स को बेक करने से पहले इनको फिल करेंगे उनके अंदर। सो ये अब मैंने स्प्रिंग रोल्स स्प्रिंग अनियंस डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको अलग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम अपने ब्रेड रोल्स के डो की तैयारी कर लेते हैं। सो जस्ट पुट इट असाइड एंड एक बड़ा बोल लेके, एक मिक्सिंग बोल में पहले हम 1/2 cup वार्म मिल्क डालेंगे। ये थोड़ा हल्का गर्म दूध है, आपने बहुत गर्म नहीं लेना है, हल्का गर्म। एंड इसमें वी विल ऐड 3 teaspoons ऑफ फाइन शुगर। सो आई एम एडिंग 3 teaspoons एंड देन वी विल ऐड 1 level teaspoon ऑफ ईस्ट। दिस इज इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये मैंने ली है, इसका मैं 1 level teaspoon डालूंगी। ये तो हीप्ड है, इसका थोड़ा सा हम बचा लेंगे। सो वी दिस इज राइट। सो 1 level teaspoon ऑफ ईस्ट इज एडेड टू इट एंड 1 egg, वी विल ऐड 1 full egg इन टू इट। और इसको अभी हम विद द हेल्प ऑफ अ फोक वी विल मिक्स इट वेल। सो यस, जस्ट मिक्स दिस एंड यू डोंट हैव टू विप इट, जस्ट मिक्स इट। एंड नाउ वी विल बी एडिंग 2 cups ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये मैदा है, 2 level cup हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें, ये देखिए, ये 2nd cup बिल्कुल लेवल लीजिए, हीप्ड नहीं लीजिए, जस्ट अ लेवल कप ऑफ मैदा ये डाल दिया। और इसमें 1/3 teaspoon ऑफ सॉल्ट वो ऐड किया है, क्योंकि हमारा सॉल्टेड बटर है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्ट नहीं डालना है। तो इसको आप एक वुडन स्पून की मदद से इसको मिक्स करिए। अगर आप बहुत चौड़ा स्पून लेंगे तो ये डो, ये जो हम आटा बना रहे हैं, जो डो बना रहे हैं, ये बहुत स्टिकी है, बहुत चिपचिपा है। तो इसमें आप एक पतला स्पून लीजिए, और वुडन स्पून लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, मैं एक सिलिकॉन के स्पैचुला से घुमा रही हूँ, इसको बहुत मुश्किल हो रही है घुमाने में। सो मैंने तो मथानी के बैक से ही इसको, जो वुडन पार्ट है उसी से इसको घुमा रही हूँ, उससे वो ठीक से मिक्स हो जा रहा है। सो हियर आई एम टेकिंग 3 tablespoons ऑफ बटर, अगेन आई एम एडिंग टू इट। ये रूम टेम्परेचर पे बटर है, 3 tablespoons ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और इसको अभी हम 5 minutes के लिए इसको हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये बहुत स्टिकी ही रहेगा, लेकिन थोड़ी देर मिक्स करने का थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, फिर मैंने वुडन स्पून ले लिया है, वो बैक से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और इससे बहुत आराम से मिक्स होता है, क्योंकि अगर आप चौड़ा स्पून लेंगे पूरा उसमें चिपकता रहेगा ये डो। सो वी विल मिक्स इट फॉर 5 minutes। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है आप उसमें डाल के इसको मिक्स कर लीजिए, बट मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसको हाथ से करके बता रही हूँ। सो ये मिक्स हो गया है, और इसको अभी हम एक सेलोफिन शीट से, एक क्लिंग फिल्म से इसको ढक के किसी हल्की गर्म जगह, प्लीज़ कीप इट इन अ वार्म प्लेस फॉर अबाउट 1.5 hours। और ये 1.5 hours के बाद हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। द डो लुक्स रेडी एंड इसको अभी हम निकाल लेंगे एक वर्किंग स्पेस पे। आप अपने स्लैब पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए और उसके ऊपर ये डो को निकाल लीजिए। प्लीज़ यूज़ ग्लव्स, अदरवाइज दे विल स्टिक, द डो विल स्टिक टू योर हैंड्स। सो जस्ट रिमूव इट ऑन अ डस्टेड सर्फेस। इसको मैंने निकाल लिया, और अब हम इसको थोड़ा सा, इसको हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं एंड वील ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। और इसको हाथों से, इसको हल्के हल्के हाथों से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, और हाथ में इसको बाद में इसको उठा के इसको हम स्ट्रेच करके और इसको टक करेंगे। अभी आप देखिए, ये मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया है, अभी उतना ज़्यादा, आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालिए, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालिए, नहीं तो ये डो बहुत ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अभी हाथ में मैं लेके इसको साइड से हल्का हल्का स्ट्रेच कर रही हूँ और इसको नीचे की तरफ टक कर रही हूँ। सो इससे ही बस ये डो अब हमारा राउंडल तैयार है। इसको हम थोड़ा शेप ठीक करके फिर अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। हियर आई पुट इट ऑल टुगेदर एंड नाउ आई एम कटिंग इट इनटू 8 equal pieces।
आप इसके 8 इक्वल पीसेस कर लिए, बराबर साइज के पीसेस 8. सो हियर आई हैव कट देम, सो वी हैव 8 पीसेस. अब हर पीस को उठाते हुए हाथ में सेम वे में इसको हल्का सा स्ट्रेच करिए और नीचे की तरफ टक करिए, थोड़ा स्ट्रेच करिए टक करिए, और ऐसे राउंडल बना के इसका पेड़ा बना के साइड में रख दीजिए. फिर आप दूसरा पीस लीजिए, उसको भी ऐसे ही हाथ में लेके हल्का स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ टक करते जाइए, पुल एंड टक, पुल एंड टक, और ये इसका पेड़ा इसको भी रख दीजिए. इस तरह करते हुए हम सारे 8 पेड़ों को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे. एंड नाउ वी विल स्टार्ट रोलिंग इट. अब इनको हमें बेलना है, इसको हल्के हाथों से स्ट्रेच करते हुए इसको बेलिए, रोटी की तरह नहीं, दोनों एंड्स को स्ट्रेच करिए. ये हो गया. अब इस पर हम वो जो हमने बटर और स्प्रिंग अनियंस और गार्लिक का मिक्सचर बनाया था उसको हम इस पर लगा के इसको बिल्कुल फैला दीजिए. और इसके ऊपर अब हम थोड़ी ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ी हम बना रहे हैं रोल्स, तो इसमें चीज़ तो डलेगी. साइड से इसको फोल्ड करिए दोनों साइड से, और फिर इसको रोल कर लीजिए, हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए रोल कर लीजिए. और जो इसका एंड है, जो इसका आखिरी सिरा है, इसको पिंच करते हुए विद हेल्प ऑफ योर फिंगर्स जस्ट पिंच इट एंड पुट इट टुगेदर, ताकि ये खुल ना जाए बेकिंग के समय. और बेक करते वक्त हम इस एंड को नीचे की तरफ रखेंगे. ऐसे करते हुए हम सारे अपने रोल्स बना लेंगे, और जो लास्ट जो हमारा है उसको हम राउंड शेप में रखेंगे. सो 7 हमारे पास ओब्लॉन्ग हो गए और 1 राउंड शेप में. इसमें भी बीच में पहले बटर लगाएंगे, फिर इसमें हम चीज़ डालेंगे, और फिर वी विल ऑल पुट इट टुगेदर. चारों तरफ से उठाते हुए डो को इसका बॉल बना लेंगे. सो नाउ जस्ट पिक इट अप फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ब्रिंग इट टुगेदर. और बॉल को भी अच्छे से इसका एंड को टक कर लेंगे, और इसको भी सेंटर में रखेंगे. जो हमारी बेकिंग डिश है जिसमें आप इसको बेक करेंगे, इसके बीच में राउंड को रखेंगे, और साइड्स में हम ये रोल्स को रखेंगे. सो हियर इट इज़. सो एक मैंने एक एल्यूमिनियम की डिश लेके इसको स्प्रे करके ऑयल से इसमें मैं रख रही हूँ, और इसको इसमें अरेंज करने के बाद आधे घंटे के लिए ढक के फिर किसी वार्म जगह में इसको छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा राइज कर जाएँ, ये थोड़े फूल जाएँ. ये मैं ढक रही हूँ इनको, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, और फिर इसे बेक करेंगे एट 180 डिग्रीज फॉर 25 मिनट्स. ये देखिए बेक हो गया है, नाइस एंड फ्लफी एंड सॉफ्ट. आप इसको हम फिंगर से दबा के भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये बहुत गर्म है अभी, और इसको देखिए प्रेस करके कितना सॉफ्ट है ये. सो दे आर नाइस चीज़ी गार्लिक रोल्स रेडी टू बी सर्व्ड. वी विल सर्व इट विद द शेफर्ड्स पाई, जिसकी रेसिपी आपको मैं दिखा चुकी हूँ. इन्जॉय फ्रेंड्स, इन्जॉय दिस लवली कॉम्बिनेशन, एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक इफ़ यू डू इन्जॉय इट. बाय फॉर नाउ.